हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से सुनील पाल ब्लॉग्स में। आज तारीख है 9 मार्च और दिन है मंगलवार का, और अच्छा है, ठीक ठाक है दिन। और दिनचर्या यहाँ पर दोपहर वाली शुरू हो चुकी है, तो अभी देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। और यहाँ पर खाना वाना तो बन चुका है शायद। हाँ जी, बन गया है खाना। ये नंदिनी का खाना बन रहा है। अच्छा, ये नंदिनी का बन रहा है खाना। देखिए, सूजी की खीर। देखिए, सूजी की खीर है। और कैसे कैसे बनती है वो तो नहीं पता है, लेकिन है सूजी की। इसमें मैंने घी डाला है, घी में सूजी डाली है। इसे मैं थोड़ा सा लाल करूंगी और फिर इसमें दूध डालूंगी। दूध डालने के बाद में चीनी डाल दूंगी। खीर बनकर तैयार है। अच्छा, ऐसे है सूजी की, मैंने देख लिया, सूजी की है। खीर है, हलवा है, अब ये तो नहीं पता है, लेकिन सूजी का ये आइटम, ये बात पक्की है, वो मैंने चेक कर लिया। और ये दिखा देते हैं जी, ऐसे ऐसे बन रहा है कुछ। और ये रखा है दूध, अब दूध रखा है सूजी के बगल में, सूजी बुनने लग रही है घी में, तो इसका मतलब ये खीर है। हाँ, पानी डाल लेंगे, चीनी डाल लेंगे तो हलवा बन जाएगा, नहीं तो अगर दूध डाल लेंगे तो खीर बन जाएगी। तो ये अब ये कंफर्म हो चुका है, ये खीर है और ये नंदिनी की है। ये नंदिनी की है। हाँ, वो जो है बोतल से दूध पीना नहीं सीखी है, मुझे लगता भी नहीं वो सीखेगी क्या। पता नहीं, हाँ बहुत कोशिश कर ली मैंने, माना एक महीना तो हो ही गया, प्रीति को बोली जब थे, लेकिन वो पीती थी बिल्कुल भी। जब से ट्राई करते करते हाँ, तो हमने फिर ये तरीके अपनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो 7 महीने में लग चुकी है। अभी थोड़ा सा नमक का खिलाते हैं उसे, लाल होगी, पिएगी तो खाएगी, तो कुछ तो करेगी। और आज उसे जल्दी भूख लग गई, उसने पोटी कर दी थी। अच्छा, पेट खाली हो गया उसका। ये सूजी लाल हो चुकी है, इसमें आप इस तरीके से, और ये लग गया छोंक यहाँ पर, सूजी की खीर का छोंक बोलेंगे इसे, क्योंकि इसमें भी छों छों ही है, तो छोंक ही तो हो गई अभी। हाँ, छोंक तो हर चीज का, जब इसमें घी में सूजी भुननी तो दूध डाल देंगे, वो छोंक ही हो गया। हाँ, तो जैसे छोंक में आती है आवाज, बिल्कुल सेम सी आवाज थी, तो ये भी छोंक ही होगा। शुगर बस इतनी सी। चलो जी, तैयार करो नंदनी के लिए हलवा। क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, ड्राइंग? पापा, जब ये बड़ा हो जाएगा ना, हाँ, मैं फोटो खींचूंगी, तब वीडियो। वीडियो और फोटो? हाँ। जब ये बड़ा हो जाएगा। हाँ। और ये क्या कर रहे हो? ड्राइंग। ड्राइंग? टंटमैन चाकू, ऑरेंज ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज कर दिया? हाँ। चलो ठीक है। पंखा चला दो, प्रसन्ना। ऑरेंज करो, ब्लू करो, या रेड करो। पसीना आ रहा? हाँ, मेरे हमारे पैर सूख जाएंगे, हमारे पैर गर्म हो रहे हैं। गर्म हो रहे हैं? हाँ। मतलब गर्मी लग रही है आपको? हाँ। तो पंखा चला दो। हाँ। पसीना भी आ रहा है? हाँ। और क्या हो रहा है? पसीना? अरे मेरे पैर गर्म हो रहे हैं, ये सूखने के लिए ये लाई मैं। अच्छा, सूखने के लिए आप बेड पे बैठ गए? हाँ। हाँ, भाई हाँ, लग गर्म हो रहे। और भाई तुम्हारे देखो सूख रहे, मेरे तो बहुत तेज सूख रहे। हाँ, मेरे तो गरम गरम हो रहे। और इसको अच्छा पेंसिल को अच्छे से पकड़ो, जैसे पकड़ते हैं, पकड़ना दोबारा। पापा लो। हाँ, ऐसे नहीं, और मम्मी कह रही थी ऐसे। अच्छा, मम्मी ऐसे ही कह रही थी ऐसे? पापा हाँ ऐसे, जैसे आरुषि पकड़ रही, जैसे आरुषि पकड़ रही, देख भाई ऐसे। चलो, यो शोर मचा रहा है ये बहुत, है ना? चलो कोई बात नहीं, आप अपने वाला कर लो, इसे अपना करने दो, जैसा भी करता है करने दो इसे, ठीक है? मैं तो इसमें करी, इसमें क्या है ये? ये आप बताओ। ये देखो, ये आप बताइए। ये हिरन है, हिरन। हिरन? हाँ। और ये भी हिरन, ये इसका भाई है, सगा भाई है, रियल भाई। रियल भाई है। हाँ, इसने पेंट करवा लिया अपने पे, उसने करवाया नहीं। हाँ, इसने मैं कह मैं नहीं करवाता तेरे पे पेंट। हाँ, वही तो कमी रही, नहीं तो ऐसा ही होता है, भी पीला सही। नू कह जाता यो मैं करवाऊंगा पेंट। नू भी कह रहा था? हाँ। अच्छा, और इसके पर खून निकल रहा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ये, है? चलो पढ़ लो भाई, बहुत मेहनती बच्चे हो गए हैं आज एकदम। अब मुझे ऐसा लग रहा है पीछे से प्रेशर है, दिखे कोई भाई। देखिए मेरे पास अच्छा कमाल है, छड़ाने का, फुटा देने का। क्या है अच्छा कमाल?
छुड़ाने का पुड़ाने का सड़ाने का पुड़ाने का सड़ाने का पुड़ाने का सड़ाने का नहीं, ढंग से कर लो भाई। देखो जैसे उम्र कर रही है, जैसे यार उसी कर रही है, देखो बाहर नहीं निकालती है बिल्कुल भी। देखो काली कल्ला आ रही हूं। हां निकल तो नहीं रहा ना। अभी ये पटरा है, पटरा हाँ। अब तो मेरा तो घोड़ा चूका, अब तो ब्लैक करूंगा ब्लैक। ओ काला काला नहीं, आयो करना आयो करना आयो आयो करना, चल यो कर ले तू है। हाँ चलो फिर तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जब तक मैं अंदर की स्थिति का जायजा लेकर आया, शायद ये खीर पे बनगी ना। खीर बन के तैयार है, तैयार है, फाइनल टच में आगे भाई। और नंदिनी को भूख लग रही, जल्दी जल्दी से उसे खिलाओ भी। अब मैं देखूंगी, स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ा रहेगा ये लेट लेट के, जब मैडम पिटाई करेगी ना, जब इसका दिमाग सेटिंग में आ जाएगा। हाँ देखो कितना आलस आता है ऐसे पढ़ते हुए। ऐसे गंदे काम आरुषि कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता घर में, क्योंकि ये सब काम एक भी काम अच्छा नहीं करता है। देखो लेट के कौन पढ़ता है भाई, कौन कलर करता है। पकड़ो पकड़ो आरुषि, उसे पकड़ो पकड़ो, भाग के पकड़ो, भागो चलो पकड़ो, तेज तेज चलाओ, हाँ तेज चलाओ, भागो भागो भागो, और तेज आरुषि, और तेज और तेज, हाँ आरुषि और तेज, आरुषि जीतने वाली है रेस, थोड़ी सी कसर बाकी है बस। चलो आरुषि इसे हराना है, देखो बहुत तेज चला दिया और उसी ने स्कूटर। हाँ अरे हाथ छोड़ के भी चला रहे हो, अरे हाथ छोड़ के नहीं, और ये है पपाया पपीता, अभी लेकर आया हूँ मैं से बाजार से। इतना बड़ा पपीता भी कोई लेकर आता है? पिताजी बोले पपीते दो तीन हिस्से में लाने चाहिए थे, यानी कि उनका कहने का मतलब है इतने इतने हिलाने चाहिए थे छोटे छोटे। हाँ अगर ये पूरा फिक्का निकल गया तो कोई फायदा नहीं है इसका, और खराब निकल गया तब भी पूरा ही। हाँ खराब तो ही निकलेगा नहीं, वैसे खराब तो होगा नहीं, मतलब कहने का ये है कि मीठा फिक्का कह रहे, देखो पिताजी भी। अच्छा हाँ चलो अगले से ध्यान रखेंगे, सामान लेते हुए ध्यान रखा करो। बॉर्नविटा का इतना बड़ा पैकेट क्यों लेके आए, वो डब्बा छोटा लेके आना चाहिए था। वो भी मैं सारे बच्चे के हिसाब से ले आया, सारे बच्चे तो नहीं पीते ना। कैसे कलर के थे वे बच्चे? गुल्लू कलर के। वे बकरी के बच्चे? नहीं बकरी के बच्चे नहीं। और बकरी के ही तो थे वे? नहीं वे ऑरेंज बच्चे थे, बकरी के ऑरेंज बच्चे। ऑरेंज बच्चे कलर काले वाले थे? काले वाले नहीं, आशी वाले। अच्छा तेज कौन सा भाग रहा था?